शाहरुख भाई निकलना है क्या अब? ओके बस वो लोग भगा रहे हैं यहाँ से, टाइम हो चुका है कम, तो यहाँ से बस निकल रहे हैं अभी हम। 8 बजे का 3D हॉरर शो है बोलते हैं यहाँ पर हमें। कितने बजे का चलो रे? 8 बजे तक के फ्री में हॉरर शो है, फ्री के अंदर में वो जाएंगे बीआर बॉक्स के अंदर में, वो देखने वाले हैं सब, और एक एक मतलब बारी बारी से देखेंगे या फिर दो दो जन करके, तो बाकी जो रिएक्शन रिकॉर्ड होने वाले हैं बॉम्ब होने वाले हैं। भीड़ चेक करो, फ्लैश चालू करूँ क्या? फ्लैश चालू करूँ क्या? फ्लैश चालू करूँ क्या? अरे मैं तो आता, फ्लैश चालू करूँ क्या? फ्लैश मत लगा। अरे हाँ ना, रहता ना, तुम ये हाथ पकड़ो ना मेरा, मैं लेफ्ट में कैमरा पकड़ता हूँ। ऐसा पकड़ने के लिए तेरी शरारत सब जानूं। खतरनाक एरिया, फ्लैश चालू नहीं करूंगा मजा नहीं आएगा, मैं दिखाया रहता कुछ भी नहीं है। डर के नाम पे भटकाना पना करके रखे हैं ब्रो यहाँ। अबे चलना, अब जो आंखें देख पा रही है ना वो कैमरा नहीं दिखा पा रहा इधर, मतलब थोड़ी झाड़ पत्तियां लगा के रखे लिए, फिर अभी लाइट बंद कर चालू कर रहे हैं। हाँ चालू करो, मोबाइल का फ्लैश चालू करो, दिखाने तो इसको मजा आ रही, नकली कैसा लगा है। फ्लैश चालू रखो ना मोबाइल का, मजा नहीं कर रहा ना, रिकॉर्ड नहीं हो रहा कैमरे में, लगा कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं हो ना। फ्लैश ऑन करो, फ्लैश ऑन करो। हाँ हाँ फ्लैश ऑन रखो, ये भी हलता हूँ। अरे क्या साला लटक रहा है, क्या लटक रहा है तो कमी? ये क्या चीज है जो बच्चों को टहरा रही है? हिम्मत है तो शेर को डरा के दिखाओ। फ्लैश चल रहा तुम, नकली शेर ना कर लगा। ये क्या है? ये क्या? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, नीचे में दिखाओ, सीढ़ियां है करके लोग पता नहीं क्या है करके। तेरी शरारत सब जानूं, ये जंगल की झाड़ पौधे जो मैंने बोला था, तो झाड़ियां लगा कर ये खुद खत्म हो गया। अरे इसको दिखाना, अरे ये
ये 1947 का मॉडल है, ये ब्रांडेड है। फोटो निकालो इसके हाथ में। मम्मी मम्मी ले राडे काट रही है। कुछ भी 1% डरावना नहीं है। काका गोस्ट हाउस 1% डरने लगा है। 1% था, सिर्फ हंसाने के लिए बनाया गया है। वो 3D ये बंद दिख रहा है। कुछ डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं। घर जाओ तुम, देखो घर जाओ ही बोल रहा है। आठ बजे तक के 3D में दिखा रहे बोल तो, यही 8 बजे तक के घोष जो शो है ना, कि हॉरर शो वही 8 बजे तक के चलेगा, ये बोलने का मतलब था। उनमें तो कोई आया नहीं डराने। हो गया तो बस 4 रुपये निकलना है सर। हाँ अभी निकलना है। अब खाना खाने के लिए जाने वाले कहाँ पर? टेका जा रहे हैं अपन कि बर्डी जा रहे हैं? टेका के ऊपर में है कौन सा होटल था? वो अरेबियन स्टार करके एक होटल है, वहाँ पर मैं जाने वाले खाना खाने के लिए। और वहाँ का फूड रिव्यू जो है ना, वहाँ की जो मंदी है हैदराबादी स्टाइल मंदी बहुत फेमस है, तो उस चीज़ का रिव्यू आपको देने वाले। और बाकी यहाँ पर भी मेरे हिसाब से खाना जो है ना बेकार है। वो तो बहुत सही बता रहा है, क्यों? कैंटीन वालों के रेट बहुत ज़्यादा है। खुद का खाना लाओ और खुद खाओ। बाकी यार अगर से पार्टीज़ करना या कपल्स के साथ में आते हो ना तो ही मतलब है आने का। बाकी स्टैग एंट्री तो यहाँ वैसे भी है नहीं, फैमिली और कपल्स के लिए ही है। स्टैग एंट्री हमने कैसे लिए वो सिर्फ हमको मालूम है कि हमने कैसे लिए स्टैग एंट्री, क्योंकि हम थे 4 लड़के और यहाँ लड़की की बिना एंट्री नहीं। वो हमने एंट्री कैसे लिया हमको पता है। कुछ राज राज होते हैं, अंदर की बात नहीं पता ना। अंदर की बात अंदर रहती है। अंदर अपन ये किधर में खाए थे? कैंटीन में खाए थे ना। यहाँ पानी वाला बॉटल जो है ना, छोटी वाली पानी की बॉटल आधा लीटर की 20 रुपये, बड़ी वाली पानी की बॉटल 30 रुपये की। और पुलाव लिया, इतना सा पुलाव दिया 100 रुपये का। भाई 400 रुपये में तुमको पता है हमारी कितनी बिरयानी हो रही करके? कितनी बिरयानी हो रही अपने 400 रुपये? वो भी मटन की बिरयानी हो रही हमारी। ऐसा नहीं कि सिर्फ चिकन खा के सुस्त होगा। तो यहाँ पर मैं कैसा बताया गया, करो खर्चा, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक मतलब एडवाइस दूंगा तो 800 रुपये हमारे को जो है खर्चा लगा था अपने हॉल। 800 रुपये हमारे को एंट्री फीस लगी, उसके बाद में खाने पीने में जो भी है तुम्हारे ऊपर में। अब तुम अगर खाना पीना साथ में लाते उसका खर्चा नहीं आएगा, और खाना पीकर साथ में अगर से नहीं लाते तो उसका खर्चा भी तुम्हारा आने वाला है। पानी की बॉटल वगैरह लेना या जो भी तुम्हारा करना है उसका खर्चा तुम्हारे ऊपर में आएगा। और बाकी घूमने के लिए वाटर पार्क में फन एंड फूड के अंदर में जितने स्लाइड्स वगैरह है जो है यहाँ पर में नहीं है, क्योंकि ये भी वहाँ पर मैं जाके हैं और शाहरुख भी वहाँ पर मैं जाके हैं, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर मैं। अगर से यहाँ पर मैं घूमना है तो बेस्ट रहेगा कि 4 बजे तक के या 3 बजे तक के ज़्यादा ज़्यादा सुबह आके स्लाइड्स करो, और उसके बाद में अम्यूज़मेंट पार्क में जाओ और अम्यूज़मेंट पार्क को पूरा इन्जॉय करो। क्यों? एक झूले के ऊपर में जब भीड़ लगती है ना, तो भीड़ लगने के बाद में कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर मैं तुम्हारा जाएगा, ठीक है? 1 से 1.5 घंटा तुम्हारा जाने वाला है। और मेरे को दिख गया यहाँ घोड़ा, ठीक है? बादल और इसके साथ में पिक्चर क्लिक करना बनता है, तो मैं बादल मिलता हूँ। घोड़ा नहीं है वो, बादल है। इसे घोड़े का नाम है बादल, और इसको अलविदा करते हो बस यहाँ से निकल रहे। देखो मैं जब आया था ना, तुम बता रहो, मैंने जब आते बरोबर यहाँ की पब्लिक देखा और मेरे को एंट्री नहीं मिलने वाली है मालूम हुआ ना, मैं तो सोच लिया था कोई ब्लॉग नहीं करने वाला, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, सीधा चुपचाप निकल जाएंगे करके। ये ब्लॉग पोस्ट भी नहीं करने वाला था, लेकिन हमारा जो इंतजाम है वो बोलते हैं ना किस्मत में जो लिखा है वो होना ही है, किस्मत में लिखा था हमारे को एंट्री भी मिली। अब ये नेक्स्ट टाइम ये वाली जब स्लाइड शुरू होंगी ना, ये वाली देखो बड़ी वाली, तब आएंगे। और ये अभी तो हवा तूफान इतना चल रहा है ड्यूट में, क्या हो तो ये स्लाइड जब भी चालू हो जाएगा ना तब आना है अपन ने। बैक कर लो ना पीछे। ओ ये आने का है ना बेचारा बंदा। तो हमने सोचे थे कि एंट्री मिलने वाली नहीं है करके, शाहरुख भाई ने बोला देखो करके। एक बार मैंने पूछा, शाहरुख भाई ने दूसरी बार उन्हीं को पूछे, उन्होंने हाउ बोल दिए। मतलब एक ग्रुप के साथ में हमने खुद को ज्वाइन कर लिया।
फैमिली वाले थे वो अच्छी फैमिली वाले थे उनके पास में मतलब उनकी बेटियां बेटियां जो भी हकाल नहीं दिए सुनो वो लड़का हगाऊ था समझे गया शाहरुख भाई तो मैं क्या करूं वैसा निकला तो उसने बात किया वहाँ लड़कियों के सामने लड़की के सामने आगे नजर में ये टिकट के लिए बोल रहा है तो ये भी समझ जाना है कि कोई अगर से व्लॉग के ऊपर में कभी आवाज नहीं आ रही कभी आ रही है कभी कान बंद लग रहा है कभी सुन रहा ये व्लॉग के ऊपर में अगर से 50,000 लाख व्यू भी गिर गए ना तो भी याद रखना कि ये जो मैकेनिक लड़का है जो कुछ भी कर सकता है वो आंटियों को फंसाने में मतलब रिश्तेदारी करवाने में खुद की कितना एक्सपर्ट है ये बंदा का लड़का सेलिब्रिटी बन गया। चल रहे सब लोग बस तो हो गया यहाँ से अलविदा करने वाले और बस निकलने वाले मतलब गाड़ी में तो निकल चुके हैं अब ये गेट जो है मेन गेट क्रॉस करेंगे यहाँ से और पूरी पब्लिक यहाँ से निकल रही है कितने बज रहे मयूर भाई अभी 6:30 हो रहे हैं अभी ठीक है और 6 बजे पूरा स्लाइड बंद हो गए थे फिर भी हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके अभी निकले और अभी जहाँ खाना खाने जा रहे हैं ना वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगहों में से एक है ठीक है उसको गूगल पे रेटिंग है 14,500 प्लस रेटिंग्स है उसको और उसका नाम है अरेबिया ताज तो वहाँ जाने वाले अपन सपोर्ट और उसका मेरे तुम्हारे हाँ जी तुम्हारा दिल नहीं आया क्या फिर सबसे पहले मैच देखते हुए आ रहा था उसको ये तो पूरा ब्लॉग पे जाएगा समझ रहे ये देखो ये इसकी भी नियत आई थी तो ये पूरा ब्लॉग में जाएगा ये तो जाएगा ठीक है अब बचा मैं क्यों मैं तो देखा ही नहीं था तो मेरा तो नाम आ ही नहीं सकता सीधा मोबाइल ले जाके हाथ में दे दे रहे ना ये लोग फोटो निकाल डार्लिंग करके अरे डार्लिंग करके क्या उस गलत क्या है उसके तुम बोलो ना फ्रेंड बेबी अब उसने बोली कि मेरे साथ में नहीं निकाल सकती तो अपन चारों को निकाल के दी उसने गलत करी क्या आइए बोले बाद में आएंगे बोले अकेले में तब निकालेंगे थैंक यू बोला तो उसने बोला मोस्ट वेलकम बोले मोस्ट वेलकम फिर देखिए रिस्पेक्ट बना के रखो ये शाहरुख भाई क्या रिस्पेक्ट है कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है इनकी और इधर का रोड हो गया खराब रुको मत रुको मत चिकल गाड़ी रुक मत ये जो है ना उधर का रोड हो गया है वहाँ झाड़ गिरा क्या गिरा हवा तूफान से पता नहीं लवड़ा बोलते जेसीबी बुलाना पड़ेगा जेसीबी वाला बोल रहा भाई 5,000 रुपये तो गाड़ी हटाता लवड़ा बोले फिर हिसाब लगाओ वो आरटीओ को 2,500 इधर 5,000 बोले इधर वाटर पार्क में 4 जन के 4,000 4,000 रुपये खाना वाला पकड़ के नाश्ता वास्ता पकड़ के 4,000 15,000 गोवा जाके आ रहे तेरे भाई जा रहे थे बोले मेरा प्लान पहले सही था रे क्या प्लान था तुम्हारा पहले गोवा जाने का मेरा भी वही था ये शाहरुख भाई नहीं माने ना पनंतपुर जाना ये चीज का पसंद नहीं आया मेरा ये पसंद नहीं आया ना शूटिंग नहीं आया पसंद पानी के बीच का टैग एंट्री कपल एंट्री बोल के भोसड़ी को ने अच्छा हुआ मिल गए हां ये तो इतना आशा का था तो वापस जाने वाली पिक्चर थी ना अच्छा हुआ जाने मन मिल गई अरे भाभी ने सुन ली उसके भाभी का दिल आ गया गरीब बच्चों पे उसने तो मदद करी फिर उसके वजह से तो घूम के आए रे भाभी जान बोले मेरे दिमाग लोग You don't see the things I see I tell you things you won't believe Above the skies overseas I hear them all those places calling me To never give up, to never back down You get through the storm Even the night's the darkest before the dawn Live your life, live your dream It's the sound of soul in me Live your life, live your dream ऑलराइट तो अभी जो हम जहाँ पर में मतलब हम रुके थे जहाँ पर में खाना खाए थे कहाँ पर सदर पे मंगलवारी बाजार पे वो जगह है उसका नाम है अरेबियन ताज और बहुत ही फेमस जगह है मंदी वगैरह नान वगैरह ये सब चीज़ों के लिए
तो वहाँ पर मैं हम लोगों ने खाना खाया और जो भी वीडियोस के आपने इसके पहले क्लिप देखे वो सब वहीं की है, उसी प्लेस की है। लोकेशन अगर से किसी को चाहिए होंगी तो इंस्टा पे डीएम कर देना, लोकेशन बता दूंगा मैं। और बस हो गया आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी क्योंकि खाना जो है वो सबको भारी हो चुका है, सबके हाल बुरे हो चुके हैं, खा के गाड़ी चलाने की भी हिम्मत नहीं है साहब, मजबूरी में चलवा रहे हैं लोग साहब, सबके हाल जो है वो बुरे हो चुके हैं। तो अब यहाँ से बस सीधा जो है घर निकल रहे हैं, और अभी का जो मतलब आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।